देर रात दिल्ली पुलिस ने मुख्यालय के बाहर हंगामा कर रहे छात्रों और शिक्षकों से मीटिंग की। इसके बाद छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती घायल छात्रों और शिक्षकों से मिलने की इजाजत दी गई। जेएनयू हिंसा में घायल छात्रों से मिलने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी एम्स पहुंचे, लेकिन जब उनको रोका गया तो वो एम्स के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि कुछ देर बाद वो धरने से उठ गए। जेएनयू हिंसा को लेकर सीपीएम नेता वृंदा करात ने बीजेपी सरकार और एबीवीपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी के गुंडों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर जेएनयू के स्टूडेंट्स को लोहे की रॉड से पीटा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं यहां छात्रों को ये समझाने आई हूं कि संघर्ष करो। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी भी जेएनयू में पहुंचे हैं। इस हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए येचुरी ने कहा कि वो नकाबपोश कौन थे जो जेएनयू में घुसे और छात्रों पर हमला किया। आपको बता दें कि सीताराम येचुरी खुद जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। जेएनयू के छात्रों के समर्थन में जामिया, एएमयू और डीयू के छात्र भी उतर आए हैं। एम्स में घायलों से मिलने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची। गृहमंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए हैं कि आईजी लेवल की एक अधिकारी की कमेटी बनाकर जल्द ही गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी जाएगी। और वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जेएनयू घटना से हैरान हूं, बहादुर छात्रों की आवाज से फांसीवादी डर रहे हैं। जेएनयू हिंसा के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं संदीप भाटी सीधे, और उनसे बातचीत करेंगे। और इसी के साथ अनिशा दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ गई हैं एम्स से। फिलहाल दोनों से ही जानकारी लेंगे। सबसे पहले एम्स से अनिशा, आपकी तरफ रुख करते हैं। क्या कुछ वहां पर घायलों की स्थिति बनी हुई है? कितने बच्चे घायल हुए हैं क्या अब तक जानकारी मिल पाई है? एक सही आंकड़ा सामने आ पाया है कितने बच्चे कितने छात्र घायल हुए हैं? मारपीट हुई है छात्रों के साथ, अगर बात करें जो एम्स में जो 20 छात्र यहाँ पर घायल हैं, अगर वहाँ की प्रेसिडेंट की जो आयुषी घोष हैं उन पे भी काफ़ी बुरा हमला किया गया है। उसमें हम सिर की इंजरी साफ तौर पे देख सकते हैं जो उनकी वीडियो वायरल हुई है। और लगातार जो छात्र हैं 20 लोग यहाँ पर 20 छात्र यहाँ पर घायल हैं। और आयुषी घोष की बात करें तो वो भी अभी एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। तो जाहिर सी बात है ये देखा जा सकता है कि कितनी बेरहमी से उन्हें पीटा गया है, रॉड से, डंडों से। और नकाबपोशी जो आए थे वहाँ मौजूद थे, और लगातार उनका यही कहना है कि अभी तक इस पर पुष्टि नहीं हुई कि कौन लोग थे वो लोग। जी अनिशा, हमारे साथ संदीप भाटी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं। संदीप, फिलहाल जेएनयू के बाहर का क्या कुछ माहौल बना हुआ है? जिस तरीके से कल हम देख रहे थे लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, काफी ज्यादा हिंसा हुई, और इसी के साथ फिलहाल की क्या कुछ तस्वीर वहां पर बनी हुई है? जी अंशिका, साफ तौर पर दिन निकलने के साथ ही अगर मैं आपको भी जेएनयू की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है जेएनयू की वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ा दी गई है। वहीं जो आने वाली गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, लगातार चेकिंग करने के बाद ही किसी को भी अंदर जाने की एंट्री दी जा रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी जो जाम है वो जेएनयू के गेट पर लगा हुआ है, क्योंकि एक एक गाड़ी को रोक कर बाकायदा जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। आई कार्ड चेक करने के बाद ही उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है। इसी के साथ अगर वहीं अंदर के माहौल की बात की जाए तो अभी जो हाल फिलहाल में जो हमें खबरें मिल रही हैं उसके हिसाब से जो अंदर से जो अभी शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लगातार जो हर जगह पर जो पुलिस है वो मौजूद है, लगातार हर हलचल पर नज़र रख रही है। और इसी के साथ जो अंदर जो दोनों ही ग्रुप हैं, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो या राइट विंग्स हो, दोनों ही शांतिपूर्ण हैं। वहीं कुछ खबरें आ रही हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि दोनों पार्टियों की तरफ से दोबारा एक मार्च निकाला जाए, दोबारा एक प्रोटेस्ट किया जाए, क्योंकि रात में हमने जो तस्वीरें देखी आरटीओ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और मांग कर रहे थे कि जो इस पूरे मुकदमे जो पूरी हिंसा में जो लोग हैं शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि अभी तक उनके पास 3 शिकायतें आई हैं। मतलब पहली शिकायत जो है वो एबीवीपी ने की है आयशा के खिलाफ, दूसरी शिकायत लेफ्ट विंग ने की है एबीवीपी के खिलाफ, वहीं जो तीसरी शिकायत आई है वो जेएनयू की तरफ से आई है। जेएनयू ने शिकायत दर्ज करवाई है कि कुछ लोग जिस तरह से नकाब पहनकर जेएनयू के अंदर घुसे थे और उसके बाद पूरी जो हिंसा होती है इसको लेकर दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे। दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि इस पूरे मामले में लगभग जो जॉइंट सीपी हैं सालनी सिंह, उनको वो पूरे इस मामले को देख रही हैं। और इसी के साथ ही लगातार जो स्थिति है वो ज़्यादा गंभीर बनी है, क्योंकि जिस तरह से पूरी हिंसा होती है उसके बाद से लगातार जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो डी राजा हों या प्रियंका गांधी हों,
अजय माकन हो, तमाम ऐसे बड़े नेता वो पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है रिपोर्ट तलब करने को कहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या स्थिति बनी हुई है अंदर? अभी तो ठीक है पर लगातार। अंशिका मैं आपका सवाल सुननी पा रहा हूँ, एक बार दोहराएंगी? तो मैं ये पूछ रही थी संदीप, आपसे जानना चाह रही हूँ कि फिलहाल इस पूरे हिंसा को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब करने को कहा है, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर मिल पा रही है? किस तरीके से पुलिस लगातार वहाँ पर पूछताछ कर रही है, क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है इस वक्त? जी सीधे साफ तौर पर मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन है जेएनयू के, उनको तलब किया गया है, प्रोटेक्टर है उनको तलब किया गया है, और उनसे लगातार पूरी जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है कि आखिरकार किस तरह से ये पूरी हिंसा होती है, क्योंकि लगभग बताया जा रहा है कि लगभग ये 5 दिनों से बंद बुलाया जा रहा था, उसके बाद से लगातार जो अब देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है बाहर निकल कर आ रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। थोड़ा शांति है अंदर, अभी अभी हम घर जा रहे हैं। साफ तौर पर अंशिका देखा जा सकता है कि जो स्टूडेंट हैं वो अब जेएनयू से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अंदर जिस तरह से कल माहौल बना उससे कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर एक भय का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि पूरी जो हिंसा है वो लगभग 4 बजे शुरू होती है, 4 बजे से लगातार जो दोनों गुटों के अंदर मारपीट शुरू हो जाती है, और उसके बाद वो लगभग 7 से 8 बजे तक हिंसा इतनी बढ़ जाती है कि जो स्टूडेंट है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। खुद जो जेएनयू के प्रेसिडेंट है आसी घोष, उन्हें चोटें आती हैं, सिर में इंजरी होती है, और उसके बाद जो लगभग 20 से 25 जो स्टूडेंट हैं उन्हें भर्ती कराया जाता है एम्स में, और एम्स में भर्ती कराने के बाद उन्हें के जो पूरा हाल चाल है उन पर नज़र रखी जाती है। इस तरह से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सर आप अंदर से हैं, क्या माहौल है अभी अंदर? माहौल तो अभी ठीक है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं जा रहा हूँ अपने सुरक्षित जगह पे। अभी अंदर सुरक्षित माहौल? नहीं, अभी डर का माहौल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अंदर पुलिस व्यवस्था कैसी है? पुलिस व्यवस्था भी नहीं फिलहाल जैसी थी। साफ तौर पर जो स्टूडेंट हैं वो जेएनयू को छोड़कर जा रहे हैं, जो आसपास के उनके रिलेटिव्स हैं उनके घर पर जा रहे थे, इससे साफ तौर पर तस्वीरें देखी जा सकती है कि अंदर क्या स्थिति बनी हुई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने रात जब पूरी स्थिति पर काबू पाया उसके बाद एक मार्च निकाला था, मार्च निकालने के बाद बताया गया कि अंदर की जो स्थिति है वो अभी फिलहाल में शांतिपूर्ण बनी हुई है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह का जो माहौल है वो जेएनयू के अंदर बना हुआ है। अंशिका संदीप आप लगातार वहां बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल अनिशा आप एम्स के बाहर वहां पर मौजूद हैं, लगातार नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है, अब तक कई सारे नेता वहां आ चुके हैं, घायलों की स्थिति जान रहे हैं, अब तक कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या आज कोई वहां पर जाने वाला है? अंशिका आपको बता दें कि फिलहाल हम 9 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं, अभी किसी तरह का हमें कोई आवाजाही नहीं दिखी है किसी नेता की। अगर हालांकि कल बीते रविवार शाम की बात करें तो प्रियंका गांधी ने यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखने आई हैं और पूरा उनका देखरेख करके गई हैं कि क्या समस्या है, उन पर पूरी हर चीज़ की पड़ताल करके गई हैं। और सबका यही कहना है कि जो भी ये जेएनयू में विवाद हो रहा है काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि लगातार कुछ महीनों से काफ़ी बोल सकते हैं कि काफ़ी गंभीर समस्या चल रही है जेएनयू में, और फिर से कल रात में ये जो हुआ है, क्योंकि अगर बात करें किस चीज़ पर बवाल हुआ है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था, क्योंकि जिस तरह से हमें पता है कि फीस वृद्धि हुई है जेएनयू में, उसके खिलाफ लगातार बच्चों के विरोध प्रदर्शन जारी थे, और कल भी यही मामला फिर से एक बार सामने आया है कि रजिस्ट्रेशन जो चल रहा था, हालांकि जो कुछ छात्र थे वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रेडी हो चुके थे, तैयार थे, लेकिन जो छात्र लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं, जो वहां की यूनियन है वो उसका विरोध कर रही थी कि आखिर ये रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहा है। वहीं उन लोगों के बीच में कुछ झड़प हुई है, एवीपी के जो छात्र आए हैं उन्होंने मारपीट करी है, लेकिन अभी तक जो छात्र हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि जेएनयू का कोई भी छात्र इसमें शामिल नहीं था, बाहर के जो पार्टी के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आए और मारपीट लगातार करी है, जिससे कई वहां के जो छात्र हैं जो शिक्षक हैं उन पर काफी घायल हो चुके हैं और काफी मारपीट उनके साथ की है, गंभीर समस्या पूरे जेएनयू में अभी बनी हुई है। वहीं अगर एम्स की भी बात करें अंशिका, तो अगर बात करें तो 20 लोग यहाँ पर जो स्टूडेंट घायल थे वो भर्ती हैं, और जो आयुषी घोष हैं वो भी अभी काफी सीरियस इंजरी हुई है उनके सर पे, जो उनका वीडियो सामने आया उस तरह से हम साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से गंभीर समस्या दिख रही है, और जिस तरह से उनका वीडियो सामने आया है काफी सर पे चोट, काफी भारी चोट लगी है, तो अभी फिलहाल वो भर्ती हैं और काफी सीरियस कंडीशन में है अभी।